अय्यूब की पुस्तक अध्याय 9। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 9। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे, तो भी मनुष्य हजार बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थ्य है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्यकर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता, अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं? चाहे मैं निर्दोष भी होता, परंतु उसको उत्तर न दे सकता। मैं अपने मुद्दे से गिड़गिड़ाकर विनती करता, चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता, तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह तो आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो, वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा, मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा? चाहे मैं निर्दोषी क्यों न हूं, परंतु अपने ही मुख से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूं, परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को मूंद देता है। इस कारण इसे करने वाला वही न हो तो कौन है? मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं, वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे वेग चाल से नाव की नाई चले जाते हैं, वा अहेर पर झपटते हुए उकाब की नाई। जो मैं हूं कि विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूंगा, तब मैं अपने सब दुखों से डरता हूं। मैं तो जानता हूं कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा, मैं तो दोषी ठहरूंगा। फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं? चाहे मैं हिम के जल से स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घिनाएंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे न घबराए, तब
मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूं।